वाटर फिश कल्चर के लिए बताऊंगी। मैं क्या बताऊंगी आपको, पोंड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। पोंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किसके लिए? फॉर फ्रेश वाटर फिश कल्चर के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये मोस्टली जो पीएचडी फिशरीज, एमएससी फिशरीज और एमएससी जियोलॉजी और एक्वा कल्चर स्टडीज़ कर रहे हैं जो स्टूडेंट और सीएसआईआर या फिर कोई और एनी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, सभी में आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या होता है? जैसे स्लाइड में बताया हुआ है, एक्वा कल्चर इज द फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल्ड एंड सेमी कंट्रोल्ड कंडीशंस। मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हम क्या है फार्मिंग करते हैं, किसके लिए करते हैं, कि उनसे हमें जो क्या है हमारे लिए इकोनॉमिकली, हमारे इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी हम फार्मिंग करते हैं, एंड देयर मैनेजमेंट और उनकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल के अंदर फिशरीज भी हो सकती है, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्रस्टेशिया, मलस्का, काइनोड्रम्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्वा कल्चर इज द फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की फार्मिंग हम कैसे करते हैं, क्या हमें उनसे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो जाता है, हो सकता है उनके बारे में, एंड देयर मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन और सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब समझते हो कि हमने उनको कंट्रोल कंडीशन में टेम्परेचर, पीएच, जो पैरामीटर्स हैं वो हमने प्रोवाइड किए। सेमी कंट्रोल कंडीशन मतलब कुछ तो हमने उनको नेचुरली प्रोवाइड किए और कुछ हमने सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन में किए हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के जो टेम्परेचर हम रखना चाहते हैं उतना क्रिएट कर दिया हमने उनके लिए आर्टिफिशियली। तो कंट्रोल्ड के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियली अरेंजमेंट जो हमने किया है, जो मैनेजमेंट हमने, पीएच है, वाटर की क्वालिटी है, फिश की वैरायटी है, वो सारे के सारे क्या कंट्रोल्ड कंडीशन में आ गए। और अनकंट्रोल्ड में नेचुरली जो भी हम फिश को कल्चर करते हैं उसको कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में नेचुरली जैसी वो होती है वैसे करते हैं, होती है जैसे सी के अंदर जो फिशेज रह रही हैं तो उनको अनकंट्रोल्ड कहते हैं। और सेमी कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ हम अपनी कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ उसको नेचुरल जो कंडीशन होती है उसमें रहने देते हैं। तो एक्वा कल्चर इज अ फार्मिंग ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल्ड एंड सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, आपको समझ आ गया वो एक्वा कल्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाई फिश ग्रो इन पॉन्ड, हम फिश को पॉन्ड के अंदर क्यों ग्रो करते हैं। जैसे सी के अंदर भी फिशेज ग्रो होती हैं और रिवर के अंदर भी फिशेज ग्रो होती है नेचुरली, बट हम पॉन्ड के अंदर क्यों कल्चर करते हैं। पॉन्ड में हम इसलिए कल्चर करते हैं कि हम उसको कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर कल्चर कर सके, उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम मैनेज कर सकें। जैसे क्या है, रिवर के अंदर अगर फिश कोई कल्चर कर रही है, कोई फिश रह रही है, तो हम उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको क्या है जो कंडीशन देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। बट पोंड के अंदर क्या है, हम अपनी मर्जी की कंडीशन उसको रख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हम पोंड के अंदर कल्चरिंग क्यों करते हैं। नंबर वन, फिश ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड। मतलब क्या है, एक पोंड के अंदर हम अपनी मर्जी से फिश की ग्रोथ को कंट्रोल्ड कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ को हम हाई, ज़्यादा ग्रोथ भी करवा सकते हैं, हम उसकी कम ग्रोथ भी करवा सकते हैं इंजेक्शन देके हम उसको, या फिर कुछ ऐसे एक्सटर्नल जो है ट्रीटमेंट देकर उसकी। ठीक है, या फिर कैसे भी हम मतलब उसको कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ग्रोथ को। और हम सेकंड क्या है, इम्प्रूव मार्केट वैल्यू ऑफ द फिश। फिश की जो मार्केट वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका कलर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, उसका कलर है वो ब्राइट कलर कर सकते हैं अगर डल कलर की है तो। मतलब उसके अंदर क्या है, हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से पोंड के अंदर। अगर रिवर या सी में है तो वहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते फिश को। थर्ड पॉइंट क्या है, इजी टू कैच फिश फ्रॉम ए पोंड। अगर हमें जब भी ज़रूरत है उस फिश को बाहर निकाल के देखने की, मतलब नेटिंग करके उसको देखने के लिए, तो हम ये ईजी हो जाता है हमें पोंड में से उसको कैच करना। टू कैच देम फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ईजी टू कैच द फिश फ्रॉम ए पोंड देन टू कैच देम फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एक फिश को पोंड में से कैच करना इजी हो जाता है, हम नेटिंग करके कर सकते हैं, देन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जैसे रिवर हो गया, लेक हो गई, सी हो गया, उनमें से क्या है इजीली हम उसको कोट नहीं कर सकते। तो ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पोंड में क्यों कल्चर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोंड कैन बी इजीली कंट्रोल द एक्वेटिक वीड्स, प्रीडेटरी फिशेज एंड इंसेक्ट। मतलब पोंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्वेटिक वीड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी हार्मफुल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, उनको क्या है हम
बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे एल्गी हो गई जो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में अगर पोंड के अंदर ग्रो हो गई है तो वो क्या है, ऑक्सीजन डिप्लीशन कर सकती है, तो इससे क्या है डिजीज़ भी, डेथ भी हो सकती है फिशीज़ की, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। और प्रीडेटरी फिशीज होती है बहुत सारी जो क्या है कि फ़िश को खाती है, तो प्रीडेटरी फिशीज़ को हम क्या है उनसे सेपरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फिश के लिए हार्मफुल होती हैं, जो हमने कल्चर की है, उनको भी हम क्या है उस पोंड में से सेपरेट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़, अगर कोई फिश को कोई डिजीज़ हो गई है तो उससे भी हम अपनी मर्जी से उसका ट्रीटमेंट करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोंड के अंदर, रिवर या लेक्स के अंदर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इजी टू कंट्रोल वाटर क्वालिटी, हम फिश की जो पोंड के अंदर हमने जो फिश कल्चर कर रखा है उस पोंड की जो वाटर क्वालिटी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर को हम मर्जी से चेंज कर सकते हैं। पीएच टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर जिस पे वो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो हम ऑप्टिमम रेंज में टेम्परेचर को प्रोवाइड कर सकते हैं, पीएच कर सकते हैं, सेलिनिटी टर्बिडिटी कर सकते हैं उसकी मेंटेन, उसके नाइट्रोजन पोटासियम सबकी लेवल की, उसको जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर हम दे रहे हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम पोंड के अंदर कर सकते हैं, इसीलिए हम पोंड को क्या है जो ऊपर क्वेश्चन है व्हाई फिश करो इन पोंड, पोंड के अंदर हम पोंड के अंदर हम फिश को क्यों कल्चर करते हैं, तो उसके रीज़न हमने डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोंड, अब अगर हम पोंड की बात करें तो पोंड भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर वन, बेस ऑन वाटर सप्लाई टू पोंड, पोंड के अंदर वाटर की सप्लाई कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप के पोंड होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड यूजेज इन ए फिश फार्म। उसकी पोंड का साइज बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंग भी पोंड के टाइप होते हैं, और फिश फार्म के लिए किस टाइप के हम पोंड यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी, एंड अकॉर्डिंग टू देयर वाटर टेम्परेचर एंड सेलिनिटी, सेलिनिटी और वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप के पोंड होते हैं। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे ये। बेस ऑन वाटर सप्लाई, हमने पीछे क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप के पोंड हो सकते हैं, उसके अंदर हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू वाटर सप्लाई डिफरेंट टाइप के पोंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो डिफरेंट टाइप के वाटर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप के पोंड्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं उसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नंबर वन, स्प्रिंग पोंड भी हो सकता है, रेन वाटर पोंड भी हो सकता है, वाटर कोर्स पोंड भी हो सकता है, वेल वाटर पोंड भी हो सकता है, फ्लड प्लेन ऑक्सबो पोंड भी हो सकता है। इनमें डिफरेंस क्या है, स्प्रिंग वाटर पोंड क्या होता है, द स्प्रिंग वाटर इज़ गुड फॉर फिश कल्चर, मतलब जो स्प्रिंग के अंदर जो वाटर होता है उसको क्या है हम उसके अंदर फिश को अगर कल्चर करना चाहे तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्प्रिंग वाटर पोंड। एक पोंड के अंदर हमने उस पानी को स्टोर कर लिया और उसके अंदर हमने फिशीज़ की वैरायटी को कल्चर किया तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्प्रिंग वाटर वाटर पोंड। ठीक है, रेन वाटर पोंड मतलब हमने रेन वाटर को कलेक्ट करके और एक पोंड के अंदर डाल दिया और उसके अंदर हमने जो मन में जो हमने चाहा उस फिश को हमने कल्चर कर लिया तो उसको क्या बोल दिया हमने, रेन वाटर पोंड। वाटर कोर्स पोंड, दीज पोंड आर प्लेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, मतलब वाटर कोर्स पोंड क्या होता है, ऐसा पोंड होता है जिसके अंदर क्या है हम वाटर को फ्लो होने, एक तो स्टैग्नेंट वाटर होता है जो क्या है एक गड्ढा खोद दिया हमने एक पोंड बना दिया उसके अंदर हमने वाटर को स्टोर करके रख दिया, एक होता है कि जिसके अंदर फ्लो होता रहे वाटर जो है वो फ्लो होता रहे, एक मतलब उसके अंदर क्या है वाटर स्टैग्नेंट ना रहे उसके अंदर फ्लोइंग मूवमेंट प्रेजेंट हो तो उसको वाटर कोर्स पोंड भी बोल देते हैं। वेल वाटर पोंड, वेल वाटर पोंड क्या होता है, दीज आर फिल्ड विद वेल वाटर एंड कंसीडर वेरी गुड फॉर फिश कल्चर। वेल वाटर मतलब जो वेल वाटर जैसे क्या है कुएं का पानी, उसके पानी से हम को इकट्ठा करके हम पोंड के अंदर जो फिश कल्चर करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, वेल वाटर पोंड बोल देते हैं, फ्लड प्लेन ऑक्सबो पोंड। इसमें क्या होगा, लास्ट वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वाटर फॉर दिस पोंड इज सप्लाई बाय द स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है उससे जो हम पोंड के अंदर वाटर की सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लड प्लेन और ऑक्सबो पोंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के वाटर के पोंड, वाटर बेस पे जो पोंड के टाइप्स हैं वो इतने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड यूज इन ए फार्म फिश, उस उनके साइज के अकॉर्डिंग मतलब जो साइज हो सकता है पोंड का वो कैसा हो सकता है, और फिश फार्म जो हम फिश को कल्चर कर सकते हैं, फिश को हमने फार्म में कल्चर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप के पोंड को यूज कर सकते हैं उनके टाइप दिखाई है। नंबर एक, हैचिंग पोंड, हैचिंग पोंड में क्या करते हैं हम जो फिश हैच करने वाली हैं उन फिशीज को हम पोंड के अंदर रखते हैं तो उसको हम हैचिंग पोंड बोल देते हैं। नर्सरी पोंड, नर्सरी पोंड वो पोंड होता है जिसमें हम पोंड के जिस पोंड के अंदर क्या है हम जो फिश की स्पीसीज होती हैं उनको हम क्या है नेक्स्ट पोंड के अंदर कल्चर करने के लिए एक पोंड के अंदर स्टोर करके रखते हैं उनके
लाइव वीयर उनके बच्चों को, तो उसको हम नर्सरी पॉन्ड बोल देते हैं। रियरिंग पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड वो होता है जिसके अंदर क्या है, हम फिश को रियर करते हैं, मतलब फिश को कल्चर करते हैं, वो हो गया रियरिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड हो गया, ऐसे पॉन्ड भी होते हैं जिसके अंदर फिश को हम स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, तो उसको स्टॉकिंग पॉन्ड बोल दिया। ये डिफरेंट टाइप के बहुत ईजी हैं, नाम के नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, सैलिनिटी और वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप के पॉन्ड देखने को मिलते हैं। हम डिस्कस करते हैं बेस ऑन टेम्परेचर एंड बेसिस ऑन सैलिनिटी। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम पॉन्ड को डिफाइन करें, तो टाइप ऑफ पॉन्ड को डिफाइन करें, तो वार्म वाटर पॉन्ड भी हो सकता है और कोल्ड वाटर पॉन्ड भी हो सकता है। जिसके अंदर हाई टेम्परेचर रखें उसको वार्म वाटर पॉन्ड बोल देते हैं, जिसके अंदर लो टेम्परेचर हो उसको कोल्ड वाटर पॉन्ड बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी, सैलिनिटी के अकॉर्डिंग साल्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी तीन टाइप के पॉन्ड हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रेश वाटर पॉन्ड हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर पॉन्ड हो सकता है, मेराइन वाटर पॉन्ड हो सकता है। फ्रेश वाटर में क्या है, उसकी जो वाटर के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, और ब्रैकिश वाटर जो मेराइन वाटर होगा उसमें 30 ppt से अब होएगी, और ब्रैकिश वाटर में क्या होगा, ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट होगी दोनों के बीच का। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, उनके बीच का जो वाटर की साल्ट क्वांटिटी होती है उसको ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं हम, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि बेस ऑन बेसिस ऑन टेम्परेचर एंड बेसिस ऑन सैलिनिटी टाइप्स ऑफ पॉन्ड। हमने बात की थी कि बेसिस ऑन टेम्परेचर पॉन्ड टू टाइप के हो सकते हैं, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। वार्म वाटर होता है उसके अंदर टेम्परेचर कितना हो सकता है, 17.5 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और कोल्ड वाटर में क्या होगा, 0 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या है, डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। बेसिस ऑन सैलिनिटी, अब साल्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी थ्री टाइप्स के पॉन्ड हो सकते हैं। एक तो फ्रेश वाटर जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.5 से लेके 1 ppt, कितनी होती है, 0.5 से लेके 1 ppt। नेक्स्ट ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में क्या होता है, 0.5 से लेके 18 ppt की जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है उसको ब्रैकिश वाटर बोल देते हैं। और मेराइन वाटर में क्या होती है, अबो 30 जो ppt की रेंज होती है, 35 तक मैक्सिमम होती है ये, तो उसको हम मेराइन वाटर पॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। पॉन्ड मैनेजमेंट, पॉन्ड मैनेजमेंट अगर हम किसी भी पॉन्ड को हमें मैनेज करना है तो उसको थ्री टाइप से हम मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्री स्टॉकिंग करेंगे, फिर उसकी स्टॉकिंग करेंगे, और फिर उसकी पोस्ट स्टॉकिंग करेंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्री स्टॉकिंग में क्या करते हैं हम, प्री स्टॉकिंग में जो फिश होती है उसको स्टॉक करने पॉन्ड के अंदर डालने से या स्टॉक करने से पहले हम कुछ मैनेजमेंट करते हैं पॉन्ड की, पॉन्ड को तैयार करते हैं उसके लिए। तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, उसके अंदर हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम साइट का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइट का सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पर हमें पॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। आपको पता ही है, हम पॉन्ड को ऐसी जगह पॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे या पॉन्ड की लोकेशन वहाँ देखेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो और नॉइस कम हो, और जो फिश के लिए क्या है, जो लोकेशन फिश के लिए कंपेटेबल हो, ठीक है। उसके बाद में हम ड्राइंग उस एरिया को ड्राई करेंगे, पॉन्ड बनाने से पहले उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद में हम आउटलेट और इनलेट कि वहाँ पे आउटलेट और इनलेट उसका पॉन्ड का मैनेज करेंगे हम, पानी आने की बाहर पानी निकालने के लिए आउटलेट और इनलेट उसके अंदर पानी डालने की मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम सोइल एंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस जगह पानी आने और जाने की जगह देख ली हमें, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर अगर पॉन्ड बनाना है तो उस सोइल की क्वालिटी कैसी है, वाटर की क्वालिटी कैसी है। सोइल एंड वाटर क्वालिटी की मैनेजमेंट करेंगे हम, क्या वो फिश के लिए वहाँ का वाटर और सोइल कंपेटिबल है, क्या फिश उसके लिए ऑप्टिमम रेंज है, उनकी हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर हैं वाटर के और जो सोइल के पैरामीटर हैं वो क्या कंपेटिबल है उस फिश के लिए, ये हम वहाँ पर देखेंगे। अगर नहीं होंगे तो हम उस जो वैरायटी को हम कल्चर करना चाहते हैं फिश की, तो हम वहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो ऐसे हम क्या है, मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसकी लाइमिंग करेंगे। लाइमिंग मतलब उसके अंदर क्या है, तो वाटर क्वालिटी चेक करने के बाद और सॉइल क्वालिटी चेक करने के बाद हम उस एरिया की लाइमिंग करेंगे। लाइमिंग मतलब अगर एसिडिक एरिया है तो हम उसके अंदर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्वांटिटी है वो ऐड कर देंगे, चौक डाल देंगे, या जो क्या है उसको एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देगा, या एसिडिटी को उसकी जहाँ भी एसिडिक सॉइल है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसको हम लाइमिंग कहते हैं। लाइमिंग के बाद हम क्या करेंगे,
लाइमिंग के बाद हम ये देखेंगे प्रीडेटरी फिश का मैनेजमेंट करेंगे। अगर वहाँ उस जो इनलेट वाटर है, जो पानी उस पॉन्ड के अंदर आ रहा है, अगर उसके अंदर प्रीडेटरी फिशीज है तो उसकी मैनेजमेंट करेंगे। उसकी मैनेजमेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मतलब उसको ट्रीटमेंट देंगे उन फिशीज को, डेथ उन फिशीज की डेथ करने के लिए, मारने के लिए। तो ये प्रीडेटरी मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में हम वीड फिश मैनेजमेंट करेंगे, ये सारे हम आगे डिस्कस भी करेंगे ब्रीफली। वीड मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, तो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि अगर हमें कोई पॉन्ड बनाना है तो पॉन्ड के लिए हम तीन तरह की मैनेजमेंट करेंगे। तीन तरह की मैनेजमेंट में क्या होएगा, पॉन्ड मैनेजमेंट पे अगर आपके नोट लिखना आ जाए, जैसे एमएससी और जूलॉजी एमएससी और फिशरीज के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में नोट लिखना आ जाता है कि पॉन्ड की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो आप बताओगे कि पॉन्ड की मैनेजमेंट हम थ्री टाइप से करते हैं। एक तो उसके अंदर प्री स्टॉकिंग करेंगे, प्री स्टॉकिंग बोल देते हैं उसको, प्री स्टॉकिंग मतलब उसके अंदर फिश को स्टॉक करने से पहले उसकी मैनेजमेंट करते हैं पॉन्ड की। हम देखते हैं लोकेशन, देखते हैं कि कहाँ पर हम पॉन्ड बनाएं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जहाँ पर पॉन्ड बनाना है उस एरिया को ड्राई करेंगे, वहाँ पर पानी आने जाने की इनलेट और आउटलेट की सुविधा कैसी है, और सॉइल की क्वांटिटी और वाटर क्वालिटी वहाँ पर कैसी है, अगर सही नहीं है तो हम उनको मैनेज करेंगे। उसके बाद हम उस एरिया की एसिडिक एरिया है तो उसको हम बेस में कन्वर्ट करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइमिंग करेंगे। अगर वहाँ पर प्रीडेटरी फिशीज है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, उनको हटाएंगे प्रीडेटरी फिश। के बाद में अगर वीड फिश मैनेजमेंट है वहाँ पर, तो वीडी फिश भी है तो वहाँ पर उनको भी हम मैनेज करेंगे, उनको भी हटाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ पर एक्वेटिक मैनेजमेंट भी करेंगे, अगर इंसेक्ट हैं जो फिश के लिए हार्मफुल है उनको भी हम वहाँ पर हटाएंगे तो उसको हम एक्वेटिक इंसेक्ट मैनेजमेंट बोल देंगे। एक्वेटिक वीड मैनेजमेंट भी करेंगे, अगर वहाँ पर डिफरेंट टाइप के अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है फिश कल्चर के अंदर, जो उनको उनके लिए हार्म हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं पॉन्ड के अंदर जो फिश हम कल्चर करेंगे उसके लिए, उनको भी हम क्या है वहाँ से हटाएंगे तो उसको हम एक्वेटिक वीड मैनेजमेंट बोलेंगे। फिर मैन्यूरिंग ऑफ फिश पॉन्ड की हम मैन्यूरिंग करेंगे, मतलब उसके अंदर मैन्योर डालेंगे, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, मतलब इस टाइप की क्या है मैन्योर हम उसके अंदर ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए। फिर हम एरिएशन देखेंगे, एरिएशन मतलब उसकी एरिएशन क्वालिटी कैसी है पॉन्ड की, ये देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद हम स्टॉकिंग मैनेजमेंट भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट भी देखेंगे। अब क्या है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में जो हमने पॉइंट्स डिफरेंट टाइप के 11 या 10 के आसपास जो पॉइंट्स हमने रखे थे उनको हम एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी साइट सिलेक्शन, मतलब पॉन्ड की हम फॉर्मेशन कहाँ करेंगे, साइट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बारे में हम क्या देखेंगे साइट सिलेक्शन करने के लिए, हम देखेंगे कि टोपोग्राफी कैसी है, जो सोइल है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उस सोइल का टेक्सचर कैसा है ये देखेंगे, विंड एक्शन कैसा है वहाँ पर, ठीक है, और रेनफॉल कैसा हो रहा है वहाँ पर वो भी देखेंगे हम, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का ये भी देखेंगे, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इन सफिशियंट क्वांटिटी, क्या वहाँ पर गुड क्वालिटी का जो वाटर है वो सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है ये देखेंगे, वाटर ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे कि ये सब कुछ वहाँ पर कंडीशन सही है। तो ऐसे हम मतलब क्या है एक साइट का लोग सिलेक्शन करेंगे, उसकी जो उसके लिए सूटेबल है वो चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए एक साइट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो साइट सिलेक्शन में आ गया। साइट सिलेक्शन के बाद हम साइट सिलेक्शन वाली जगह पर ये भी चीज़ें देख साथ में ध्यान में रखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द फिश सीड, क्या वहाँ पर फिश सीड अवेलेबल है जो हमें कल्चर करना है जब वो फोन बनाएंगे उसके लिए। द साइट शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, क्या पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है, हमने पहले भी बताया था ये डिस्कस किया था कि वहाँ पर किसी तरह का पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन मतलब नॉइस पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन और किसी भी टाइप का क्या वाटर पॉल्यूशन, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है उन फिश की स्पीशीज़ के लिए जो हम कल्चर करेंगे पॉन्ड के अंदर। द साइट शुड बी कनेक्टेड टू ए ड्रेनेज सिस्टम, और जो साइट है जहाँ पर हम पॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पर पानी के आने जाने का सिस्टम की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। द फिश सीड शुड बी अवेलेबल ईजिली, क्या वहाँ पर फिश का सीड है जो हमें चाहिएगा फिश कल्चर करेंगे, जो स्पीसीज फिश की कल्चर करेंगे, सपोज करो हमने इंडियन मेजर कार्प कल्चर करनी है, कटला रोहू मृगल, तो वहाँ पे उनका सीड अवेलेबल है क्या ये देखेंगे हम। मार्केटिंग फैसिलिटी है क्या वहाँ पर, शुड बी अवेलेबल नियर द साइट, जो हमने साइट सेलेक्ट की है वहाँ पर जो मार्केटिंग जो फिश को हम बेचेंगे कहाँ बेचेंगे वो साइट वहाँ से अवेलेबल है या नहीं है। द साइट शुड हैव गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड अप्रोच रोड, क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की उस जो फिश कल्चर करेंगे हम उसको हार्वेस्ट करने के बाद हम मार्केट में अगर बेचना चाहे इकोनॉमी के लिए तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पर रोड की अप्रोच कैसी है, ये सब चीज़ें हम क्या है फिश का जो पॉन्ड की सिलेक्शन करेंगे वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, सिलेक्शन तो हमने कर लिया साइट का जहाँ पर पॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहाँ, अब उसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ द पॉन्ड, उस एरिया को ड्राइंग कैसे करेंगे या वहाँ पर जो पॉन्ड बनाएंगे उसको ड्राई कैसे करेंगे। द पर्पस ऑफ ड्राइंग पॉन्ड बॉटम बिटवीन क्रॉप्स इज टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट
ऑफ द सोइल। यहाँ पे पोंड को ड्राई करने का पर्पस हमारा क्या है कि जो मॉइस्चर होता है उसको सोइल के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ड्राइंग, अगर हम पोंड को ड्राई करेंगे तो ड्राई करने के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए। वहाँ उस एरिया को और क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या पर बेनिफिट हो सकते हैं अगर पोंड को, पोंड के एरिया को हम ड्राई करेंगे, जो पोंड हमने यहाँ पर बनाया उसको ड्राई करना चाहें, जो पोंड का एरिया है हमने सेलेक्ट कर लिया उसको ड्राई करेंगे। ड्राई किल द एग ऑफ द फिश एंड पैरासाइट्स प्रेजेंट इन द वाटर। वहाँ के जो वाटर में जो एग, सपोज करो वहाँ पे कोई वाटर प्रेजेंट है स्टैग्नेंट, तो उसके अंदर अगर फिश के लार्वा प्रेजेंट है या पैरासाइट्स प्रेजेंट है तो वो क्या है, सारी की सारी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। ड्राइंग कैन बी एलिमिनेट मोस्ट डिजीज ऑर्गेनिज्म। ड्राई करने से क्या होगी, वहाँ पर जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या हैं, खत्म हो जाएंगे। और इन्हांस द एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वहाँ पर क्या है, अगर हम उस एरिया को ड्राई करेंगे तो वहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनका इन्हांसमेंट, मतलब उनका नंबर बढ़ जाएगा, जो क्या है डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर जो वहाँ पर हम काउ डंग, वर्मी कम्पोस्ट, पोल्ट्री पिगरी मैन्योर जो भी हम वहाँ पर यूज करेंगे, उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका नंबर क्या है वहाँ पर इन्हांस हो जाएगा। तो अब हमने एरिया की ड्राइंग कर ली, वहाँ पर एरिया का सिलेक्शन कर लिया। प्री स्ट्रोकिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड हमने इसमें देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो ड्रेनेज सिस्टम को भी हम यहाँ देख लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इज यूज टू एम्प्टी द पोंड, पोंड को एम्प्टी करने के लिए। द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू हैव ए गुड ड्रेनेज सिस्टम इज टू बिल्ड द पोंड इन ए प्लेस विच प्रोवाइड ए गुड स्लोप, मतलब वहाँ का स्लोप है वो अच्छा होना चाहिए ड्रेनेज करने के लिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी बिल्ट बिफोर द पोंड एम्बैकमेंट। ठीक है, आप लोगों को ड्रेनेज के बारे में आपको पता होगा क्या होता है, समझ भी गए होंगे आप। एक तो लीकेज होता है, लीकेज मतलब जो पानी पोंड में इकट्ठा किया वो नीचे चला गया, तो लीकेज नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। एक होता है ड्रेनेज एरिया, ठीक है, ड्रेनेज करना। ड्रेनेज मतलब अब जहाँ पर हम पोंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं वहाँ पर, ड्रेनेज का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पानी उसके अंदर डालना भी पड़ता है और पोंड में से पानी निकालना भी पड़ता है, तो वहाँ पर जो पाइप हमने बाहर, जो पोंड के चारों तरफ अगर हमने पाइप लगा रखी है आउटलेट और इनलेट के लिए वाटर के लिए, वो सही है क्या, उनका मैनेजमेंट सही है क्या, वो एक स्लोप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बेंड करके लगाई हुई होनी चाहिए, तो ये सब क्या है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब ड्रेनेज के बाद में हम देखेंगे आउटलेट और इनलेट सिस्टम है वो कैसा है। इनलेट चैनल के अगर अंदर हम देखें तो इनलेट मतलब पानी जाने के लिए जो हमने पाइप्स लगा रखी है उसको इनलेट चैनल बोल दिया, और आउटलेट चैनल में जो क्या है पानी वहाँ से निकालने के लिए जो अरेंजमेंट किया हुआ है उसको इनलेट चैनल बोल दिया, तो आउटलेट चैनल बोल दिया सॉरी। इनलेट चैनल के बारे में हम देखते हैं, ऑल द पोंड फिल्टर डायरेक्टली बाय अ स्प्रिंग और बाय रेन वाटर एंड कैनाल नीड वाटर इनलेट। ठीक है, पानी को अंदर आने के लिए, स्प्रिंग वाटर को आने के लिए, रेन वाटर को आने के लिए, या कैनाल का कोई वाटर है वो आने के लिए इनलेट अच्छे से वहाँ पर इनलेट वो है लगे हुए होने चाहिए। जो इनलेट है वाटर इनलेट कैन बी ए सिंपल एज, वो किसके बने हुए होने चाहिए, पीवीसी के बने हुए, पीवीसी पाइप लगी और लगा सकते हैं उसके लिए। सीमेंट ऑफ गुड डायमीटर विल बी यूज, सीमेंट का यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। द इनलेट पाइप शुड बी प्लेस्ड अब वो द वाटर लेवल, वाटर लेवल से क्या है अब वो प्रेजेंट होने चाहिए इनलेट। ठीक है, और इनलेट फिल्टर शुड बी क्लीन ईच टाइम वैन वाटर इज लेट इन टू द पॉन्ड, और उनको क्या है टाइम टाइम पे इनलेट जो फिल्टर लगाई हुई हैं उनको क्लीन करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए पानी जब हम पॉन्ड में डालें तब। अब बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। प्री स्ट्रोकिंग मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रोकिंग का करेंगे, फिर पोस्ट स्ट्रोकिंग मैनेजमेंट का करेंगे। थैंक यू।